हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आइए दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं गुजरात की फेमस डिश खांडवी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और दिखने में बहुत ही अच्छी होती है। इसके लिए हमें क्या लगेगा, बेसन, पानी, लेमन येलो कलर, 2 चुटकी लेमन येलो कलर, साइट्रिक एसिड का पानी और नमक। आइए दोस्तों, देखिए पानी डाल दीजिए आप एक बर्तन में। थोड़ा थोड़ा ही अपन घोलेंगे, इसलिए अपन थोड़ा सा पानी डालेंगे पहले, ठीक है दोस्तों। थोड़ा बेसन डाल दीजिए। बिप्स की सहायता से आप इसे अच्छी तरह बीट करिए, ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। अच्छी तरह बीट्स करिए और देखिए थोड़ा सा बेसन और लग रहा है, आप डालिए। आपको जितना बनाना उस हिसाब से अपना घोल तैयार कर सकते हैं दोस्तों। इसका कोई मेजर नाप नहीं होता है, ये एक ऐसी डिश है जो बनने में बहुत ही अच्छी भी दिखती है, खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। इसे बिप्स की सहायता से आप घोलते जाइए, देखते जाइए इसमें लम्स ना पड़े। देखिए दोस्तों, ये साइट्रिक एसिड का पानी जो पहले से मैंने इसको 1 स्पून घोल के रख चुकी थी, जो मैं इसमें डालने जा रही हूँ। अच्छी तरह मिला लीजिए आप। देखो अच्छी तरह मिलाने के बाद आप इसमें देखो कितना अच्छा कलर चेंज हो रहा है, और मिलाते जाइए दोस्तों। इसके कलर के लिए हमें अभी क्या डालना है, बस आप इसे देखते जाइए कि अब मैं क्या करने वाली हूँ। निगाह ना हटाइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब यह लेमन कलर जो 2 चुटकी मैंने पानी में घोल के पहले रख चुकी थी, अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ। इसे डाल दीजिए आप, देख लीजिए कितना है। अब आप इसको बिप्स की सहायता से अच्छी तरीके से बीट करते जाइए, अच्छी तरह मिक्स करिए दोस्तों। मिक्स करते जाइए ताकि इसके एक भी लम्स ना पड़े, लम्स अगर रहे तो वो सही नहीं बनेगा, इसलिए इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना है। देखिए कितना अच्छा हो चुका है, लम्स बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा पानी मुझे और लग रहा है दोस्तों, क्योंकि मुझे सिर्फ पतला ही बैटर चाहिए इसका। थोड़ा जितना अच्छा बैटर होगा, जितना अच्छा पतला होगा, उतना ही अच्छे आपके खांडवी बनने वाले हैं दोस्तों। देखिए इसमें एक भी लम्स नहीं है, और ये आप नमक डाल रही हूँ दोस्तों, जिसमें आपको स्वादानुसार जो लगता है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। 1 स्पून काफ़ी है दोस्तों, देखते जाइए मिलाइए, बहुत अच्छे से मिलता जाएगा, बहुत अच्छा बैटर तैयार है। देखिए इतनी कंसिस्टेंसी उसकी होना चाहिए दोस्तों, इतना पतला है वो तो बैटर आपका राइट है। अगर इससे गाढ़ा हुआ तो आप पानी और डाल लीजिए, जिस तरह मैंने डाला है। देखिए दोस्तों, पानी डाल के पतला ही बैटर तैयार करना है। आपने देखा है दोस्तों, कभी आप बेसन बनाते हैं जो कितना पतला रहता है, बस उसी हिसाब से आपको इसमें पतलापन लाना है। अब मैं इसे गैस पे रख रही हूँ दोस्तों पकने के लिए। देखिए आप किस तरह चाल रही हूँ मैं, इस तरह आप चालते जाइए, इसके गुठले भी नहीं पड़ेंगे और स्मूथ बैटर तैयार होगा, पक जाएगा। अगर पका सा तब आप देखना कितना चिकनापन आता है, कितना सही बैटर बनता है आपका। सिर्फ चालते जाइए, आपसे चालते जाइए और अच्छा चिकना बैटर तैयार करिए। आप देखिए थोड़ा सा मद्दा भी रखिए आप, अगर आपने तेज़ लो कर दी इसकी तो शायद ये जल्दी बफ जाएगा और जल्दी गुठले पड़ जाएंगे, इसलिए धीरे 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 इसे आप चलाते जाइए, देखते जाइए, बस निगाह ना हटाइए दोस्तों। देखते जाइए आप कितना अच्छा बैटर तैयार होने वाला है। जब ये थिकनेस पे आएगा ना दोस्तों, इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए आप कितना अच्छे थिकनेस आ चुकी है, जितना मुझे चाहिए था उस हिसाब से ये थिकनेस पे आ चुका है। बस इतना ही गाढ़ा आपको भी करना है दोस्तों, बस चलाते ही, ताकि नीचे से ना लगे। ये इतना अच्छा तैयार हो रहा है, लगता है आग बहुत प्यारा पका हुआ है, इसकी खांडवी बहुत ज़ोरदार बनने वाली है दोस्तों। बस आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल देखिए, क्योंकि इसमें बहुत टिपोटिक होती है दोस्तों। इसे ढक दीजिए आप, ताकि 5 मिनट और पक जाए ये, मीडियम स्लो कर लीजिए आप। देखिए दोस्तों पक चुका है, बहुत अच्छा पक चुका है, भाप ऊपर आ रही है, मेरा बैटर बहुत अच्छा पक चुका है। देखिए आप कितना अच्छा चिकना और बढ़िया सॉफ्ट बना है दोस्तों, आप देखते जाइए। सिर्फ इतना ही इसमें विशेष ध्यान रखना है आपको कि बेटा इस स्थिति में आने के बाद हमें इसे क्या करना है। देखिए आप, मैंने एक थाली ली है जिसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाया, इसमें डाल रही हूँ। हाँ थोड़ा थोड़ा डालिए आप, थोड़ा थोड़ा डालना है और देखते जाइए, धीरे धीरे फैलाते जाइए। कितना अच्छा फैल रहा है, अगर आपका बैटर अच्छा फैलता है तो समझ लो आपका बैटर परफेक्ट है। देखिए आप कितना अच्छा फैल रहा है, ऊपर उठ के नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल अच्छी तरह चिपक रहा है। बस इसी तरह पतला पतला आप चिपकाते जाइए, देखते जाइए कि कितना अच्छा चिपका है। दोस्तों डरने की ज़रूरत नहीं है, एक बार दो बार आप ट्राई करिए, परफेक्ट हो ही जाएगा। अगर नहीं बनता फिर ट्राई करिए, वापस करिए,
फिर बनेगा आपका। देखिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस तरह आप काट लीजिए, इसे काट लीजिए एक एक स्लाइस अच्छी बराबर। देखिए दोस्तों कितना अच्छा निकल रहा है, एक कॉर्नर से आप धीरे 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 स्लिप करते उसे निकालते चाहिए। कितने अच्छे रोल बन रहे हैं देखिए आप, कितने प्यारे रोल बन रहे हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए आप दूसरा भी इतनी इजीली निकल गया है, इतना अच्छा रोल बन रहा है, सॉफ्ट और चिकना डो। बस दोस्तों ऐसा ही बनाने हैं आपको भी, कितना अच्छा। देखिए आप तीसरा भी इतना ही अच्छे से निकल रहा है, देखिए आप कितना चिकना पतला पतला। खांड भी अगर आप पतली लगाओगे दोस्तों तो पतली ही बनेगी, मोटा लगाओगे तो मोटी ही बनेगी, कच्चा रहेगा तो टूट जाएगी। देखिए कितने सारे रोल्स तैयार हैं मेरे, और एक जैसे ही रोल्स बने हैं दोस्तों। इसके बघार के लिए हमें क्या लगेगा, तेल है, हरी मिर्च है, जीरा एक स्पून, राई एक स्पून, कड़ी पत्ता, और ये है धनिया पत्ती डेकोरेशन के लिए। दो टेबल स्पून आप ऑयल डाल दीजिए, इसे थोड़ा सा गर्म होने दीजिए दोस्तों। ये ऑयल गर्म हो चुका है, राई डाल दी है मैंने, देखिए तड़क रही है, जीरा डाल दीजिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए आप हरी मिर्च जो कटी थी लंबी लंबी स्लाइस में मैंने डाल दी है, कड़ी लिप्स डाल दी, देखिए आप इसमें हींग भी डाल दीजिए, चलते जाइए ताकि जले ना और अच्छा ग्रीन कलर आए। अब दोस्तों इसमें खांडवी के ऊपर आप इसे अच्छी तरीके से फैला सकते हैं, देखिए बघार में आप जो चाहे कर सकते हैं, आप चाहे तो तिल भी डाल सकते हैं और भी आइटम। देखिए दोस्तों कितने अच्छी लग रही है हमारी खांडवी।